दीन की बुनियाद पर शुरू की गई तिजारत कामयाबी की जमानत होती है। हाजी अब्दुल शकूर के फर्जन हाजी अब्दुल मजीद ने गुडलक हार्डवेयर शोरूम का कारोबार शुरू किया। इस शोरूम में जो चीजें दस्तियाब हैं, इनमें से कीले, नट बोल्ट, डोर फिटिंग, फर्नीचर फिटिंग, बाथरूम फिटिंग, पर्दे के साकिट, अलमारी के उम्दा किस्म के लॉकर, दरवाजे के खुशनुमा हैंडल मौजूद है। हार्डवेयर के कारोबार में नया इनकलाब लाने वाले हाजी अब्दुल शकूर के फर्जन हाजी अब्दुल मजीद के शोरूम की खास बात यह है कि शोरूम पर आते ही ग्राहक को छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, इसे पूरी इज्जत दी जाती है, एहतराम किया जाता है। दुकान में आते ही ग्राहक को पानी पेश किया जाता है। दीन व ईमान की रहनुमाई में जो कारोबार हो, अल्लाह की रहमत और बरकतें तो बारिश की तरह बरसेंगी ही। इसीलिए हाजी अब्दुल मजीद कहते हैं, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस कारोबार में हमें तरक्की और कामयाबी हासिल हुई। मेरा नाम है अब्दुल मजीद अब्दुल शकूर कच्ची। पहले मैं पार्टनरशिप में चेलीपुरी के अंदर महाराष्ट्र स्केल काटे माप की दुकान पे 12 साल पार्टनरशिप में काम किया, और उसके बाद जो कुछ उसमें पार्टनरशिप ख़त्म होने का जो भी मूड़ी बची थी, कैपिटल था, उससे हमने जो है टाटा हार्डवेयर राजा बाजार में शुरू किया काम। ये आपने जो हार्डवेयर का काम शुरू किया है, तो आपने कुछ बैंक से लोन वगैरह उठाकर ये काम किए? नहीं नहीं, बैंक से लोन नहीं लिए, किसी से कर्जा नहीं लिए, और हमारे वालिद साहब बड़े सख्त थे, पाबंद थे शरीयत के, उन्होंने बिल्कुल मना करके भाई आप लोग बैंक से लोन लेना नहीं है, अल्लाह इसी में बरकत देंगे। जो मूड़ी थी हमारे पास, उसमें हमने जो है वो मूड़ी से ही काम हमने हार्डवेयर का शुरू करे, और वो जो राजा बाजार में दुकान में जो फसाद में दुकान हमारी गली, तो फिर हम बाबा लेन में एक बड़ी दुकान ली हमने, और फिर वहाँ पे हमने होलसेल चिल्लर का काम शुरू करा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो अल्लाह ने उसे बरकत देते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का पूरा साथ है, सुबह से लेके शाम तक, और दीनी काम में आलिम भी बच्चे बने हमारे, उसी में कामकाज के साथ साथ 5 बच्चे आलिम बने अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 बच्चे दाई बने, 7 बच्चे हैं मेरे। ऐसा कहा जाता है कि दीन की तालीम अगर बच्चों को देंगे या वो आलिम रहेंगे या हाफिज रहेंगे, तो सिर्फ वो मस्जिद में इमामत करेंगे, एक जहन बना हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत से अभी भी हाफिज आलिम जो है ताजिर हैं, तिजारत का काम करते हैं। हमने बम्बई के अंदर भी देखे कि हाफिज साहब जो है तिलावत भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे औरंगाबाद में भी जो है, जैसे हमारे मुफ्ती अशफाक साहब है, गोल्डन स्टार बेकरी चलाते, तो कारोबार भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर और वो लोग जो है नमाज जो पढ़ाते हैं, तरावी जो पढ़ाते हैं, तो उसका एक पैसा ही मुआवजा नहीं लेते। यानी आपने जो आपके बच्चों को दीनी तालीम जो दी है, तो आप उससे सेटिस्फाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह से बरकतें भी हुई, और वो दीन के काम के साथ साथ वो आलिम बनने के साथ साथ दो दुकान का भी काम करते थे। एक बात देखी गई है आपकी दुकान में, एक बाज़ाब्ता एक बैनर लगा हुआ है, जो भी शॉप के अंदर जाएंगे, जो माल आपने अगर ग्राहक को दी है, अगर उनको पसंद नहीं आया तो आप खुशी खुशी वापस लेंगे, इसका मकसद समझ में नहीं आया। ये है कि हमारे हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ताजिर बिका माल खुशी खुशी वापस ले लें और पूरे पैसे वापस दे दे, परेशानी पे बल भी ना आए, तो उसकी वजह से उनको एक जन्नत के अंदर अखंड मोती का महल मिलेगा। तो उस नफे के उस तिजारत के वास्ते हम जो है माल बिकावा खुशी खुशी वापस लेते हैं, और कोई चीज़ ख़राब भी होगी ग्राहक के हाथ से, तो वो भी हम वापस लेके उनको पूरे पैसे वापस देते हैं, या माल के बदले माल बदली कर देते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया, और उनका मकसद यही है कि अगर इंसान की नीयत साफ है तो उस इंसान को कहीं भी दुनिया के अंदर रोक कोई नहीं सकता। अब्दुल वाहिद फारूकी, वाहिद कलाम, औरंगाबाद।